04 begins. A very good morning, people. Welcome back to my channel. I am right now in Muzaffarpur. Yesterday I drove about 600 kilometers from my hometown, that's CHIRMIRI, and right now I am here. Nice. Because I am in the middle of the market, so ye sab bus ke noises aate rahenge. Please ignore this chaos. So basically speaking, why I'm here, what am I doing here, you'll get to know if you watch the previous episodes of my Bhutan series. So yahan par kahin aa raha hoga. Please, if you haven't watched, go and watch it. So today is gonna be the day 4. Oh my god! Wow! Basically, I'll be entering Bhutan today, but I don't think that's possible because it's already too late. So, baki ke sare baatein main aapko gaadi mein baith ke karta hu. Yahan par bahut sare awaaz aa rahe hain. Bahut distraction ho raha hai. Kal ka video bhi aise hi kharab ho gaya tha. So it's 1:39 in the afternoon. We are starting from Muzaffarpur. Bahut late ho gaya. So setting the GPS to Phuentsholing. It's gonna take around 11 hours 33 minutes. 538 kilometers. 1:12 hum pahunchenge. Stoppage leke pata nahi kitna time lagega, par dekhte hain yahan se to nikalte hain. Shayad Siliguri mein ruk jaye agar late ho gaya. Agar de sab kuch theek raha, agar time pe chale, to we will be continuing till Phuentsholing. Maine apna GoPro yahan par set kar diya hai. Fuel economical hame 19.9 km mila. Sare tire naye lag gaye hain. It's 1:41 now. We are good to go. We took our first fuel break. गाड़ी रिजर्व लग गई थी, बहुत चल गई, कम से कम 20 का इकोनॉमी मिला हमें. सो राइट नाउ वी क्रॉस दरभंगा. वी कवर्ड अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. इट्स 2 o'clock इन द मॉर्निंग नाउ, आई मीन इन द आफ्टरनून. थोड़ी देर में हम लंच के लिए रुकेंगे यहाँ पर और फ्यूल अप करेंगे एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. सो दिस इज द सेकेंड टोल वी आर अप्रोचिंग फॉर द डे. और कितने किलोमीटर पे है ये टोल? कितने कितने किलोमीटर पे टोल? अगला आपको मिलेगा बस 60. सो दिस इज द नेशनल हाईवे 22 आई गेस. हाँ, सो हर 60 किलोमीटर पे यहाँ पे एक टोल है. पिछला 60 किलोमीटर कैसे ख़त्म हो गया पता नहीं चला. अगला ये हाईवे शायद हमें और 100 किलोमीटर चल जाएंगे, मतलब 2 टोल टैक्स और देने पड़ेंगे. काफ़ी सारे टोल है यार, और बाकी सब बढ़िया है. मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सूरज तो आज निकला ही नहीं है, सुबह से बादल बादल से हो रहा है. सो अभी बज रहे हैं 3:30. हम कुछ आधे घंटे में 4 बजे तक हम कहीं लंच के लिए रुकेंगे. कोई भी रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट दिखा अच्छा खाना खाने लायक, तो वी विल बी स्टॉपिंग देयर. फ्यूल हमने भरा लिया है, बस अभी खाना खाना बाकी है. अभी भूख लग नहीं रही है. 4 बजे तक हम रुक के खाना खा लेंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद क्या होता है, किचन सारे रेस्टोरेंट के बंद हो जाते हैं, रोटी वोटी मिलने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सो 4 बजे हम रुकेंगे लंच के लिए. सो फास्ट सो गुड, लेट्स गेट गो. अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं और इट सीम्स लाइक इट्स ऑलरेडी 6:30 इन द इवनिंग. जहाँ से हम स्टार्ट किए थे दैट इज मुजफ्फरपुर, 2 घंटे में वी कवर्ड अराउंड 130 किलोमीटर. और यहाँ से Phuentsholing तो अभी भी एयर अबाउट 450 किलोमीटर्स है, तो मुझे नहीं लगता आज पॉसिबल होगा Phuentsholing पहुँचना. अगर लेट हो गया तो विल सेट Siliguri इटसेल्फ. तो अभी लंच करेंगे. दिस इज़ हाउ द कार लुक्स आफ्टर ब्रिंगिंग अस 630 किलोमीटर्स, लाइक इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 700 किलोमीटर्स लोग इस गाड़ी में आ गए. बहुत गंदा हो गया था. सो द होटल पर्सन लास्ट नाइट इस साइड अल्क्री ने, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने पानी मार के क्लीन कर दिया है. सो दिस आर द न्यू टायर्स विच आई गॉट यस्टरडे, ऑल 4 ऑफ देम. इट्स R17 लो प्रोफाइल टायर 20550. सो दिस इज ऑल सेट ऑफ 4 न्यू टायर्स. गाड़ी का PUC नहीं बना हुआ है अभी तक, मतलब एक्सपायर हो गया है. मैंने अभी नोटिस किया PUC वाला है. We're gonna make PUC. Car is performing pretty well. It's
it's giving me a fuel economy at about 19.7, or size of, I mean, a vehicle of this size giving that good economy is a bahut acha hai. So, done with lunch. We're heading. It's already 5 o'clock now and it's dark. बहुत अंधेरा हो गया है. अभी सीधा पता नहीं कहाँ रुकेंगे, पर खाना अच्छा था. हमने दो दाल फ्राई, एक वेज मिक्स था शायद, और कुछ 15 से 16 चपाती, वो भी गरम गरम इन्होंने बना के दिया. एंड वी ओनली हार्डली पेड 300 रुपीज, मतलब खाना टॉप क्लास. यहाँ से 124 किलोमीटर और हमें ऐसे ही रोड मिलेगा. 122 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही रोड मिलेगा. यहाँ से ऐसे रोड मिला तो स्पीड अच्छा रहेगा, पर थोड़े लाइक 50 किलोमीटर्स पहले से अभी क्या सीन हो गया है कि बीच में बहुत खड्डे आ रहे हैं. तो आप एक तो इतना ज़्यादा स्पीड में रहते हो और अचानक से खड्डे आते, बुड़म बड़म बुड़म बड़म, यू नो व्हाट आई मीन. और ये जो टाइम है ना, जो ये सनसेट का टाइम, इसमें विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 60% कट हो जाती है. एक सनसेट का टाइम और एक सनराइज का टाइम. दिस टाइम इज लाइक नॉट गुड फॉर ड्राइविंग. इस टाइम में होल्ड कर लेना चाहिए, बिकॉज द आईज टेक टाइम टू एडजस्ट द लाइटिंग कंडीशन ऑफ द नेचर. तो बेसिकली यहाँ से फुंसुलिंग है 200 किलोमीटर मैक्स टू, नियर अबाउट 200 किलोमीटर, और यहाँ से सिलीगुड़ी है मोर 80 किलोमीटर्स. और 200 किलोमीटर अगर हम अभी तय करें तो हम वहाँ सुबह पहुँचेंगे 3-4 बजे के आसपास. ETA उतना दिखा रहा है डिनर उनर करने के बाद. सो अभी कोई सेंस नहीं बनता है वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ सारे इमिग्रेशन वगैरह सब क्लोज होंगे, सारे होटल क्लोज होंगे, और रात हो जाएगी. वहाँ जाके होटल हंट करना इज़ लाइक थोड़ा सा मुश्किल काम है. वो नया जगह है तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी वहाँ पर जाके. तो हमने सोचा कि आज फुंसुलिंग ना जाके सिलीगुड़ी में हॉल्ट लेते हैं, और उसके बाद कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगे. तो हम वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली 9 बजे तक पहुँच जाएंगे. 11 बजे इमिग्रेशन ऑफिस खुलेगा, सारे काम करके एंड देन मे बी फुंसुलिंग में कल स्टे करके बाकी थिम्पू की ओर बढ़ेंगे. तो अभी तक का प्लान ऐसा है, बन रहा है कि हम आज सिलीगुड़ी में स्टे करेंगे, क्योंकि हमें सुबह निकलते निकलते लेट हो गया था. यहाँ से 80 किलोमीटर सिलीगुड़ी है. होटल हमने अभी तक बुक नहीं किया है, थोड़ा आगे जाके वी विल ट्राई एंड बुक द होटल. अभी बहुत अंधेरा हो गया है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं. सो आई गेट बैक टू यू वंस आई रीच द होटल. ओके, सो बेसिकली आई जस्ट टुक शावर एंड आई हैड अ गुड डिनर. आई हैड अ चिकन थाली. एक्चुअली सब कुछ बताता हूँ एकदम धीरज से बैठ के. अभी टुडे वॉज डे 4. वी स्टार्टेड फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड वी आर इन सिलीगुड़ी नाउ. वी वर अबाउट टू एंटर भूटान टुडे. वी वर अबाउट टू एंटर द बॉर्डर दैट्स कॉल्ड फुंसुलिंग, और इधर इंडिया की तरफ से जयगांव बोलते हैं, उस तरफ से फुंसुलिंग बोलते हैं. वी वर अबाउट टू एंटर, वी कुडंट डू दैट बिकॉज हमें निकलते निकलते मुजफ्फरपुर से बहुत देर हो गया था. इट वॉज लाइक 1:30-2 o'clock वी लेफ्ट फ्रॉम देयर. एंड मुजफ्फरपुर से फुंसुलिंग दैट इज़ भूटान बॉर्डर इज नियर अबाउट 540 किलोमीटर या 530 किलोमीटर, ऐसा ही है अप्रॉक्स. तो हमें पहुँचते पहुँचते हमारा टाइम ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 2 बजे रात का दिखा रहा था. तो दैट्स द रीज़न वी थॉट वी विल टेक अ स्टे इन सिलीगुड़ी विच इज़ नियर अबाउट 380 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरपुर. तो वी रीच हेयर नियर अबाउट 9:30 को, क्योंकि वी डिन वॉन्टेड टू एंटर फुंसुलिंग रात को, क्योंकि रात को जाके वहाँ पर इमिग्रेशन का कोई काम भी नहीं होता. एंड देन चेकिंग इन टू अ होटल
होटल रात को अनजान जगह में. आई डिडंट फाइंड इट लाइक कंफर्टेबल. मॉम डैड भी थे तो सो आई थॉट कि आई विल स्टे इन सिलीगुड़ी फॉर टुनाइट. देन सुबह हम यहाँ से फंक्शनिंग निकलेंगे. फिर वहाँ जैसे सब कन्फ्रेंस रहेगा, इमिग्रेशन, होटल, चेक इन, सब वो सारे चीज़ें कंप्लीट करेंगे. जैसे चीज़ें होते रहेंगे आपको बताते रहूँगा. सो विद दैट सेड, सो आई एम राइट नाउ इन सिलीगुड़ी. आई एम इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड शिवानी होम स्टे फ्रॉम ओयो. आई विल क्विकली गिव यू अ रूम टूर. This is a cute little room. It has a bed, it has a good AC, it has a TV also, and also a clean washroom. So we took two rooms. For each room we paid near about 600 rupees. That's about 1200. It's worth it actually. It has a parking, dedicated parking. It has a geyser also. So and the rooms are very cozy and very clean actually. Very, this is the cleanest room I visited in during this trip actually. Tomorrow we will be entering Phuentsholing actually. Morning near about 5 or 6 o'clock we will leave from here. We'll enter Phuentsholing. So with that said, I'm gonna end the video right here right now. In case you like the video, do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you don't miss any of my episodes. Thank you for watching. I will see you again with another vlog. Bye bye. Good night.